प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली पर्व को मनाने के साथ ही सभी नगर पालिकाओं में दीपोत्सव मेले का आयोजन करने का निर्देश दिया है। इसी क्रम में जनपद की 3 नगर पालिकाओं में भी दीपोत्सव मेले का आयोजन किया गया है, लेकिन नगर पालिका परिषद टांडा द्वारा 20 लाख रुपए खर्च कर दीपोत्सव मेला लगाया तो गया, लेकिन मेले में दुकानें ना होने की वजह से नाम मात्र के लोग ही मेला स्थल पर पहुंच रहे हैं। अभी तो सन्नाटा, अभी तो दुकान लग रही है, अभी सन्नाटा चल रहा है, नहीं भीड़ भाड़ नहीं दिख रही है, ज़्यादा यहाँ पे नगर पालिका के लोग हैं इस वजह से इतनी भीड़ नहीं चल रही। अभी तो फिलहाल कल से आए लगाए स्टार्ट किए हैं, दुकानदार भी आ रहे हल्के हल्के, और दुकानदार भी कोई स्टार्ट नहीं हुई आज से, ऐसा रिस्पॉन्स देखे मिलता नहीं, ऐसा कुछ मिला नहीं रिस्पॉन्स। इसके साथ ही 28, 29 और 30 अक्टूबर को सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन होना था, लेकिन नगर पालिका मात्र सरकारी धन का बंटवारा करने में जुटी हुई है, जिससे मेले में आने वाले दुकानदारों के समक्ष रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो रहा है। देखिए, कोई भी सरकार कोई योजना बनाती है तो उसकी जिम्मेदारी, ये कार्यक्रम तो सरकार का है, उसको क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी नगरपालिका परिषद को दी गई थी। और नगरपालिका की स्थिति, आप टांडा नगरपालिका की स्थिति जान रहे हैं कि शायद हमारे ख्याल से सबसे ज़्यादा निकृष्ट नगरपालिका अगर कहिए तो पूरे प्रदेश में टांडा नगरपालिका है। कोई योजनाबद्ध तरीके से इन्होंने कार्यक्रम नहीं किया। सरकार की मंशा बहुत अच्छी थी, सरकार चाहती थी कि जो है गरीबों की दुकानें, लोग वहां तक आवें, गरीब को जगह मिले दुकान लगाने की, लोग खरीदें, और सरकार के मंशा पे पानी फेर दिया, और जो राजवित का पैसा था उसकी लूट आप देखिएगा आने वाले समय में उसकी लूट होनी है। और पालिका को चाहिए था कि कम से कम जो उनके 25 सभासद हैं, 5 मनोनीत 30 सभासद हैं, उनके साथ बैठकर कार्ययोजना तैयार कर लेते, व्यापार मंडल के लोगों के साथ कार्ययोजना तैयार कर लेते, ठेके पटरी एसोसिएशन के साथ पूरी कार्ययोजना बना लेते। सारी कार्ययोजना बनाकर जब मेले का आयोजन किया जाता, स्कूल के प्रबंधकों के साथ बैठक कर लेते सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए, हड़बड़ी में चंद नेताओं को खुश करने के लिए हड़बड़ी में यह कार्यक्रम किया गया, और इसमें पैसे की भी पूरी बर्बादी हो रही है नगर पालिका की तरफ से। मैं तो कहूँगा कि इस पूरे मामले की जाँच की जाए और जो भी दोषी हो उसको उसमें सजा मिलनी चाहिए। अवधनामा में शायद मजामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.avadnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।